तो उसे क्या पेट भरेगा हमारा इंडिया सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारा भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था इंडिया कहाँ कहाँ से मिटाएंगे? इसमें बैठ करके सिर्फ विवाद खड़ा करना पा चाहते हैं और उसे अपना वोट बैंक लेना बनाना तो इसमें हम लोग भंडा फोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का जो पूरे देश में आती पिछड़ाओं पिछड़ों को वो आरक्षण को नहीं देने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं मन आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर नेशन देखिए बिहार ही नहीं पूरे भारत की स्थिति अभी क्या है ना भारत और इंडिया लेकिन देखिए एक तरफ है तो लोग इंडिया का भी नाम लेते तो दूसरे तरफ भारत और लगातार जो है ना देश के पीएम नरेंद्र मोदी को घेरने का काम विपक्ष कर रहे हैं और विपक्ष के ही नेता है और एमएलसी भी इनसे जानेंगे तो महिलाओं के लिए जो नरेंद्र मोदी ने कहे थे महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ किए तो हम महिलाएँ हैं एम भी इनसे जानेंगे तो नरेंद्र मोदी की बातों को आप लोग कैसे देखते हैं देखिए वो हमारे प्रधानमंत्री है और हम लोग उनसे उम्मीद करते हैं कि जो हमारा बिहार में मान सम्मान हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी दिए पूरे देश में दें अभी तक इतने साल के शासन में तो नहीं मिला और आगे उम्मीद भी नहीं रखते हैं क्योंकि जब जब विकास के मुद्दा जब जब महंगाई के मुद्दा जब जब हम लोग अधिकार के मुद्दा लाते हैं तो कहीं ना कहीं नाम बदलने की बात कहीं ना कहीं देश में लड़ाई झगड़े की बात मुद्दे से भरमाते हैं लोग को दिग्भ्रमित करते हैं मुद्दे से अलग करना चाहते हैं इसलिए आज हम लोग तो अति पिछड़ा के लिए सम्मेलन करने आए हैं लेकिन आप जब इंडिया भारत की बात बोल रहे हैं तो उसे क्या पेट भरेगा हमारा इंडिया सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारा भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था इंडिया कहाँ कहाँ से मिटाएंगे इन्हीं के इन्हीं के शासन में हमारे नेता हमेशा नाम लिया करते थे पहले जो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे साइनिंग इंडिया के नाम से और काम किए थे तो वो इंडिया को कहाँ ले जाएंगे वो इंडिया को बदल के क्या करेंगे अब भारत और तो इंडिया को बांट करके अब भारत करके सोने की चिड़िया बना दें तब जाने के हमारे प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं है। दो हज़ार चौबीस का चुनाव है और देख रहे थे इस समय लगातार पूरे देश में कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान होता है तो क्या लगता है इंडिया को लेके हिंदू मुसलमान होगा क्या फिर से जातिवाद आएगी और जातिवाद पर राजनीतिक होगी और जिस जगह आप बैठे हुए हैं जगह को हरदम बदनाम किया जाता है नवादा को तो इस बार कैसे देखेंगे आप लोग देखिए हम तो यहाँ मैसेज देने आए हैं और हम लोगों में ये समझाने आए हैं आज और नवादा हमारा पुराना गढ़ है इसलिए कहने आ रहे हैं किसी तरह से विवाद में लोग ना पड़े विवाद से अपने आप को बर्बाद करेंगे और इनका काम है जब जब इलेक्शन आएगा तो आपको आपसी मुद्दे में उलझा करके और दिग्भ्रमित करके वोट ले जाएंगे हम लोग कहाँ अलग हैं ताजिया होता है हम लोग बैठ कर के एक साथ मनाते हैं दुर्गा पूजा होता है बहुत मुस्लिम भाई बैठ कर के दुर्गा पूजा करते हैं और पाठ करते हैं हम लोग अलग कहाँ हैं हम लोग एक साथ रहते हैं जीतनी मरनी में एक साथ रहते हैं ये तो देश में बैठ कर के सीट विवाद खड़ा करना पा चाहते हैं और उसे अपना वोट बैंक लेना बनाना दो तो हज़ार चौबीस में कितना सीट लाएंगे आप लोग कभी कोई दल बोलता है कि हम एक सीट कम लाएंगे वैसे ही हम भी बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा हमारे बिहार में अभी महागठबंधन बना है उसका पूरा का पूरा सीट और देश में हम लोग शासन करेंगे और उनको गद्दी से हटा कर रहेंगे यही अभियान में है अभी हम सब महिला भी चले हैं और अति पिछड़ा भी चले देखिए तमाम महिलाओं लोग एक तो साथ चले और भी, भी महिलाएं हैं इनसे भी जानते हैं कैसे देख रहे हैं इस बार आप लोग हम लोग बहुत अच्छा देख रहे हैं हम लोग का जो महागठबंधन उसमें हम लोग का अच्छा सीट आएगा और हम लोग पूरे तन मन धन से लगे हुए आज हम लोग का कर्पूरी चर्चा गोविंदपुर विधानसभा का रोह में प्रखंड में है उसी के हम लोग सब तैयारी में यहाँ पर आए हुए हैं देखिए आज आज आप बता देते नवादा के पूर्व एमएलसी है और उनसे भी हम जानेंगे क्योंकि लगातार जो है ना नवादा में जनता दल यूनाइटेड का कार्य हो रहा और इससे पूर्व में भी कई यहाँ पर कार्यक्रम किया गया लेकिन आज का कार्यक्रम क्या है और इस कार्यक्रम के माध्यम से जनताओं को क्या संदेश दीजिएगा आप लोग हो रहा है पूरे प्रदेश में हो रहा है आज हम लोग रोह प्रखंड में प्रदेश के निर्देश के अनुसार आज रोह प्रखंड में हम लोग अति पिछड़ा सम्मेलन हो रहा है जिसमें कर्पूरी चर्चा है कर्पूरी ठाकुर के इस पर पुण्यतिथि पर जो पूरे देश में पूरे बिहार में हम लोग मना रहे हैं जनवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा और इसी में हम लोग भंडा फोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का जो पूरे देश में अति पिछड़ाओं पिछड़ों को वो आरक्षण को नहीं देने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं उसी के उसी के ख़िलाफ़ हम लोग जो है पूरी जनता को पूरे बिहार के जनता को और ख़ासकर अति पिछड़ा समाज के भाइयों को बहनों को हम लोग बताने के लिए पूरे प्रदेश में इसका सम्मेलन हो रहा है चौबीस में कैसे देख रहे भारतीय चौबीस में तो भारतीय जनता पार्टी अब आएगी नहीं सवाल पैदा नहीं होता महागठबंधन की सरकार है रहेगी इंडिया जो गठबंधन बना है इंडिया उसको बिहार में चालीसों का चालीस सीटों सीट जीतेगी तो देखिए बिहार में चालीसों सीट जीतने का दावा जो है जनता दल यूनाइटेड की ओर के किया जा रहा और बता दें कि नवादा में लगातार कार्यक्रम इसलिए चलाया जा रहा है तो ये नवादा सीट कहीं ना कहीं इस बार जो लोकसभा का जो सीट है उस पर अपना कब्जा जनता दल यूनाइटेड जरूर जमाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों का मांग इन लोगों की भी जुआ में है लेकिन अभी खुल के नहीं कर रहे लेकिन कई मंच के लोगों ने यहाँ नाम भी रखे पूर्व विधायक है कौशल यादव उनका नाम भी रख रहे और लोग चाहते थे बिहार के सी नीतीश कुमार का या सीट पहले भी था और इस बार भी रहे क्योंकि इस समय वर्तमान में लोजपा के सांसद है लेकिन उनको पछाड़ने के लिए ही जनता दल यूनाइटेड ने पूरी तरह कमर कस है नवादा से न्यूज फॉर नेशन के लिए अमन